कल डांडिया खेलेंगे। राधे वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अपने घरों में सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज है वेंसडे और आज है गांधी जयंती, तो आज हम दोनों की भाई बहनों की छुट्टी है। और आज गाइज लास्ट दिन है, पितृपक्ष का लास्ट दिन, आज मावस है और आज के दिन ही मेरे पापा का श्राद्ध होता है, मावस वाले दिन। तो अभी हम लोग सुबह 7 बजे उठ गए थे, सुबह मम्मी तो 5 बजे की उठी हुई, क्योंकि मम्मी ने सारा कुछ पापा की पसंद का बनाया है, सब कुछ जो भी पापा को पसंद है सब कुछ बनाया है। और हम लोग भी नहा धो के तैयार हो गए, बस अभी पूजा करेंगे, पापा को भोग लगाएंगे, फिर घर में एक पंडित जी आते हैं, उनको खाना खिलाएंगे और जो भी हमारे श्रद्धा अनुसार उनको कपड़े चप्पल जो भी हम पापा को देना चाहते हैं वो सब देंगे। और हमेशा हम लोग लिमका ज़रूर दे देंगे, क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद है लिमका, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोगों को जैसे कोल्ड ड्रिंक तो सबको ही पसंद होती है, तो मुझे कोक जैसे पसंद है, मम्मी को भी लिमका पसंद है और पापा को भी लिमका पसंद है, नीलू और मेरे को कोक पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या बनाया है खाने में, और करते हैं काम शुरू। काम क्या शुरू, सब कुछ काम हो चुका है, बस अब जोत वोत लगानी है और रोटी निकालनी है। तो गाइज ये देखो, आज बने हैं दही बल्ले, ठीक है। ये पूरी बना के रख दिया आधी मम्मी ने, और ये जिससे रोटी निकालनी है वो है खीर पूरी। और ये देखो खाने में क्या क्या है, मटर पनीर, खीर, आलू गोभी, तोरी की सब्जी और दही बल्ले। ये सब मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मिर्ची भी, मिर्ची तो बहुत ही ज़्यादा पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज़्यादा वाला जिसे कहते हैं। और जब भी जैसे मिर्ची का अचार बनाना होता था मम्मी को, तो पापा क्या करते, रेडी पे से मिर्ची चख के कि चरचरी है तो लूँगा, अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। तो वो सब्जी वाला भी कहते हो भैया, कहते जहरी हो आप, तो कैसे मिर्ची खा के चेक करते हो। मेरे पापा को बहुत स्पाइसी खाना पसंद है बहुत, तो इसलिए मम्मी ने सारा खाना स्पाइसी बनाया और मिर्ची ज़रूर फ्राई कर दी है, मतलब अचार जो होता है वो। कपूर डाल दें, गाइस ये पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से मोटू से कूदा भी नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है पूछ, आएगा भी नहीं, आ जाएगा इतनी छोटी पर। गाइस सारी पूजा वगैरह हमने कर ली है, ब्राह्मण आके भी जीम गए हैं, और जो हमारे बड़े पितर गए हैं उनको भी हमने रोटी खिला के विदा कर दिया है, ठंडे से मेरा यही प्रार्थना है हमारी। और अभी मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय, और अपने लिए पिया है मैंने, अपने लिए पिया और खुद पी रही हूँ गर्म पानी। और इतना कोई जल्दी उठा नहीं है, और इतना अलकसी है, सोने को हो रहा है। 7 बजे उठ गया था हमने रेगुलेटर, मम्मी 7 बजे उठा, मैं उठी थी 7 बजे, इधर ये 9:30 उठा है, नानू इतना भी नहीं, 8:30 उठा है। नहीं गाय, जो मेरा स्कूल टाइमिंग है ना रोजाना का, उस टाइम पे उठा 6:30 नहीं उठा, क्योंकि 6 बजे तो मैं नहाने के लिए उठ जाता हूँ, 7 बजे करेक्ट उठ गया था। ये 7:30 तो पहले उठाना शुरू करा था इसे, 8:30 8:45 तो ये उठी है, पहले मुझे उठाती है कि मैं नहाऊं पहले, ये करूं मम्मी वो रेस्ट करने को मिल जाए। और ये दोनों अपने टाइम टाइम उठे हो, दोनों सही टाइम उठे हो, काम ठीक हो गया, बस और कुछ झगड़ा किस लिए करना है, ये गलत मेरे को पोर्ट्रे कर दिया। 7:30 मैंने उठाना शुरू करा, मैंने इसको बोला नीलू उठ जा, अब तो 7:30 हो गए हैं, खादे कसम। मम्मी को जितना पता है ना, मम्मी को पता है ये निठल्ला है, ये निठल्ला, ये निठल्ला, मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं है ना, ये तेरे में है, ये थोड़ा क्रैक है तेरे में है, बहुत है, अभी तो इससे ज्यादा हो गया। अच्छा गाइस, मैं ना पढ़ने बैठ गई थी, और अब मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। खाना क्या, दही बल्ले बनाया ना मम्मी, तो पहले बल्ले खा रही हूँ, बहुत टेस्टी बनाती है। हमारे घर में दही बल्ले बनना तो बंद ही हो गया एक तरीके से, अब हम ज्यादा बनाते नहीं, क्योंकि पापा को बहुत ज्यादा पसंद है। हर होली पे जरूर बनते थे हमारे घर में दही बल्ले, बट अब हम नहीं बनाते। इस बारी वाली होली पे बनवाए थे मैंने मम्मी से कह के, और अब बनवाए। मम्मी लाल मिर्च तो नहीं ज्यादा डाली अपनी, ज्यादा मेरे को लग रही है, और मैं ना ज्यादा पापड़ी खाती हूँ, भल्ला कम खाती हूँ,
तो ये खा रहे हैं हम, पहले भल्ला ही टेस्ट करके देखते हैं। भल्ला भल्ला करी जाए, बल्ले बल्ले कर। फूक क्यों मारते हो, मुझे आदत पड़ गई है दाल खाने के लिए तो। तो जी अभी मैं आई हूँ बाहर से, नीलू का सामान दिलवाने गई थी उसको, उसका प्रोजेक्ट बनाना है, शीट ग्लिटर पेन वगैरह, ग्लिटर पेन थे उसके पास बट थोड़े बहुत और लेने थे, थोड़े कम कलर्स थे उसके पास, तो वो दिला के ले हूँ। अभी मम्मी ने डाल दिया मेरे लिए खाना, नीलू गया मासियर को दही बल्ले देने, भल्ला पापड़ी, हम पापड़ी भी डालते हैं वैसे दही बल्ले में, तो वो देने गया, आएगा तो वो खा लेगा। और मेरा खाना डल चुका है, दिखा देती हूँ क्या क्या लिया है मैंने खाने में। है मैंने खीर, मटर पनीर, आलू गोभी, पूरी, तोरी भी है, तोरी मैं खाती नहीं हूँ, मिर्ची भी है, मिर्ची मैं खाती नहीं क्योंकि मुझे मिर्ची लगती है, और बल्ले मैंने खाई लिए पहले, तो अभी मैं ये खाऊंगी बस। और आज मेरा चीट डे है थोड़ा सा। निकल चुके हैं जिम के लिए, आज मैं टाइम पे जा रही हूँ जिम क्योंकि आज मैंने ट्यूशन के बच्चों को जल्दी छोड़ दिया था। व्हाट एन अचीवमेंट, हां तो अभी जा रहे हैं जिम, रेडी वगैरह होके आएंगे फिर जिम से, फिर रेडी वेडी होके आएंगे जिम से, क्या बोलती है, रेडी वेडी होकर जा रहे हैं जिम, फिर आएंगे घर, खुद पढ़ेंगे और नीलू को भी पढ़ाएंगे। इतने मैंने नीलू को बता दिया क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने पॉलिटिकल के, और मुझे आके फिर सुनाएगा ये। क्या क्या काम हुआ, बहुत सारा किस बात का काम होगा तुझे, बहुत सारा वैसे बताइयो जरा, कितनी भीड़ हो जाती है तो शाम को इधर। गाइज आ गई हूँ जिम से, क्या कर रहे नीलू, मैं हाई कर रहा हूँ ना, आ गई है, थक गई मैं तो, मुझे लेने भी नहीं आता, मैं इसको आवाजें मारती रहती हूँ और सारी फोन करती रहती हूँ। गाइज देखो मैं शिनचैन देख रहा हूँ, एक मिनट गाइज ये देखिए बच्चा का, और कल है फर्स्ट नवरात्रा, तो मैं मम्मी को बोल रही थी अभी भेज दो इसको सामान ले आते सारे, मम्मी ने कहा तू आ जा घर सुबह लेंगे, फिर ना सुबह बहुत भागा दौड़ी हो जाती है हमारी, नहाओ घर सेट करो काम तो के लिए आ जाएगी, पहले नवरात्रे पे सामान लेके आओ, बहुत ना क्योस हो जाता है। अभी आते आते मैं सोच रही थी लेती आ जाऊँ पैसे पेटीएम कर दूंगी चलो, फिर मैंने सोचा अपने पैसे क्यों दूं मैं, माता रानी नहीं पैसे कम है, कम है काम तुझे दिल में पुकारा, ये तेरा मेरा तुझे दिल में पुकारा, देखा एकदम में पैसे कम है उसमें, 400-500 तुझे दिल ने पुकारा, दे दो भी और मैं नीलू चले जाते हैं पैदल पैदल, अरे उसके पैरों में दर्द हो रहा है। माजी माजी पहल को पता क्या कहती, पहल के पास वो है ना कैरियोके सेट, वो स्पीकर और माइक, कहती पहल अब कल से नवरात्रि का पहला दिन है, माइक और स्पीकर अपना नीचे ले आइयो, कल से 9 से 11 बजे तक भजन गाएंगे। हाँ, रोज मैंने कहा पहल हम वही करेंगे, बोले सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, दरबार की। गाइस अभी हम लोग आए बाहर से स्टेशनरी से, सुबह भी गए थे, मैंने इसको बोला था कुछ सामान और बचा है तो बता दे, लेकिन इस लड़के ने बताया नहीं मेरे को तब, और अब बोल रहा कि मेरे को वो चाहिए कलर पेन, तो इसको एक कलर पेन भी रख ली हूँ मैं, पिंक सुंदर सुंदर है लाइट कलर का, वैसे अभी बनाएंगे इसके प्रोजेक्ट, इसके 3-4 प्रोजेक्ट है सारे मुझे बनवाने हैं इसके, पॉल साइंस का, हिस्ट्री का, शोशो का, सोशो का तो मैंने इसका पहले ही बनवा दिया, बस उसका थोड़ा बहुत बचा ये खुद करेगा, और सारा क्वेश्चनेयर बनवाने हैं, मतलब मैं डेकोरेट वगैरह करती हूं, क्वेश्चनेयर पता है कैसे बनाने हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं, अब मेरे को लिख के ले जाने मैम से चेक कराने हैं, वो ठीक निकलेंगे तो मुझे उसका प्रिंट आउट निकलवाने 15 पेजेस, और वो मुझे अपने नेबर्स को देने हैं, अपने पेरेंट्स को देना है, अपने रिलेटिव को देना है, अपने फ्रेंड्स को देना है, वो उसको भर के 15 क्वेश्चन है टोटल, 10 ऑब्जेक्टिव वो टिक वाले और 5 सब्जेक्टिव लिखने वाले, और वो सबसे भर के मेरे को लेने हैं। अच्छा कैसे क्वेश्चन, और वो मेरा जो टॉपिक है सोशियो में, नहीं क्या टॉपिक था, मैं वो रोड रेज इन रोड रेज इन ऑब्लिक दिल्ली,
इम्पैक्ट ऑन यू कुछ था, वो मैंने देख लिया, निकाल लिया अभी, याद नहीं है ना। अच्छा, तो गाइस हम आपको भी दिखाएंगे जब ये अपने मैम से चेक करवाया आएगा, फिर प्रिंट आउट करवा के फिर हम आपसे भी सलाह लेंगे इसकी। तो अभी चलते हैं, चेंज करते हैं और काम शुरू करते हैं, क्योंकि कल है छुट्टी, थर्सडे, ये भी छुट्टी करेगा, कल करेगा छुट्टी या जाएगा, इसके कल स्कूल का फाउंडर डे है, तो कॉम्पिटिशन वगैरह, तो ये कह रहा था कि मेरे को मन नहीं है जाने का, कोई भी नहीं आ रहा, इसका दोस्त कोई भी नहीं जा रहा था, मैं तो कह रही हूँ चला जाए, अटेंडेंस कम रहेगी फिर, तो फिर या तो स्कूल जा या तो पॉल साइंस के क्वेश्चन आंसर लर्न करके सुनाएगा सारे चैप्टर के। देखूंगा देखूंगा कि क्या मतलब है, कल नवरात्रि का पहला दिन है तो पढ़ाई का फास्ट है, कल डांडिया खेलेंगे। गाइस खाना वगैरह हमने खा लिया था और हम बैठ गए थे खाना खाते पढ़ने, क्योंकि दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिला हम दोनों को ही पढ़ने के लिए, नीलू को भी प्रोजेक्ट बनाना था, और अभी शाम को हम बाहर भी गए थे, हाँ वो तो मैंने बताया था ना, हाँ मैं भी गई थी, और अभी टाइम देख लो क्या आ रहा है घड़ी में, अभी तो पढ़ रही हूँ बस, एक सवा एक होने वाला है अभी तो, और पढ़ेंगे तो मैंने सोचा पहले मैं भूल जाऊँ कहीं, तो मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ। तो आज के ब्लॉग को गाइज हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि कल के ब्लॉग में, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी मिल जाएगा। गाइस एक बज चुका है तो नवरात्रि लग चुके, तो हैप्पी नवरात्रा, फर्स्ट नवरात्रा, हैप्पी नवरात्रा जी आप सभी को, तो हम जय माता दी आएंगे अभी सुबह ही लेके आएंगे, हाँ जी जय माता दी सुबह लेके आएंगे और माता की चौकी सजाएंगे, ठीक है, मिलते हैं सुबह। ये क्या कर रहा है, मुंह दिखा नहीं, आप मुझे दिखा रहे हो। तो गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।